यह है कहानी दिल्ली की दोस्ती दिल्लगी और दीवानगी की। ये कहानी है मेजर अमित की पत्नी शैलजा के कत्ल की। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की सनसनीखेज खबरों में हम आपके लिए लेकर आए हैं खबर मेजर अमित की पत्नी शैलजा के कत्ल के बारे में। हम आपको आज वीडियो में बताने जा रहे हैं उनके कत्ल और उससे जुड़ी हुई 12 बातें जो अभी तक अनसुनी है। ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। हाल ही में दिल्ली के हुए एक वाकये ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया है। दिल्ली के कैंट इलाके में मेजर अमित की पत्नी शैलजा के कत्ल की कहानी सुलझने की बजाय उलझती ज्यादा नजर आ रही है। पुलिस ने शैलजा का मोबाइल और कत्ल के आरोपी मेजर निखिल हांडा के खून से सने हुए कपड़े बरामद किए हैं। ये कपड़े उसने एक बैग में रखे हुए थे। वहीं मोबाइल घर के पास से बरामद हुआ है। शनिवार को दिल्ली के छावनी इलाके में बरार स्क्वायर के पास सेना के मेजर अमित की पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी मेजर निखिल को मेरठ से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने शैलजा की गला रेत कर हत्या कर दी थी। शैलजा सुबह 10 बजे आर्मी के बेस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी कराने आई थी, लेकिन तकरीबन 1:28 पर दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास वरार स्क्वायर में सड़क पर शैलजा का शव मिला। उसके बाद से चारों तरफ सनसनी फैल गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो कि आप शायद ही जानते हों। शैलजा का पति अमित और उसका हत्यारा मेजर निखिल दोनों अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से निखिल और शैलजा की भी दोस्ती हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शैलजा 2017 में मिसेस इंडिया अर्थ फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। शैलजा मॉडलिंग का शौक भी रखा करती थी। एमटेक करने के बाद शैलजा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रही हैं और उसी के साथ वो एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी। शनिवार सुबह तकरीबन 10 बजे मेजर हांडा ने शैलजा को आर्मी के बेस हॉस्पिटल से अपनी कार में बिठाया और उसके बाद जो मिला वो उसकी लाश थी। पुलिस के मुताबिक शादीशुदा निखिल के अंदर शैलजा के लिए इस कदर दीवानापन था कि वो उसे हद से ज्यादा कॉल्स करता था। वो शैलजा से शादी करने की जिद कर रहा था। जब शैलजा ने मना किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 3,352 बार आरोपी मेजर हांडा और शैलजा के बीच मोबाइल और मैसेजेस के जरिए बात हो चुकी है। मेजर हांडा एक दिन में तकरीबन 10 से 15 बार से भी ज्यादा शैलजा को फोन और एसएमएस करता था। हांडा के संपर्क और 3 महिलाओं से भी थे। उसके और उसकी पत्नी के बीच कुछ भी सही नहीं था। हांडा एक बड़ा चाकू और एक स्विस नाइफ अपने साथ रखे हुए था। पुलिस को स्विस नाइफ पर से भी खून के निशान बरामद हुए हैं। विक्टिम के साथ न्याय तो हुआ, मगर वाकई बहुत देर हो गई। पुलिस ने मेजर हांडा को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप भी अपने आसपास के ऐसे दोस्तों, रिश्तेदारों और लोगों से रहें सावधान। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।